करेंगे ट्रेडिंग आइडियाज की। तो सौरभ आप बताइए, सबसे पहले इस समय बाजार में फ्रेश ट्रेडिंग किस तरफ ले रहे हैं, या आप मिक्स ले रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट का? अजय, अगर आप मार्केट में देखें तो काफी स्टॉक्स पे से भी काफी अच्छा एक्शन है, तो मेरे दोनों जो पिक रहेंगे ऑन द लॉन्ग साइड रहेंगे। पहला मैं टाटा मोटर्स से जाना चाहूंगा। अगर हम देखें तो ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, इनफैक्ट काफी ऑटो स्टॉक्स अपनी रेंज को ब्रेक कर रहे हैं, नए हाईज मार रहे हैं, और जिस तरीके से मोमेंटम है मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक डेरिवेटिव डेटा ऐड करना चाहूंगा, जो 600 की स्ट्राइक है वहां पर मैक्सिमम कॉल हुआ है, और वहां पर कल के सेशन में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, तो 600 के लेवल अगर और क्रॉस होता है तो इसमें और बड़ी तेजी ऑन द अपसाइड देखने मिल सकती है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली और इस रैली को ऊपर में लेके जा सकती है। तो टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 590 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 620 तक की तेजी नियर टर्म में देखी जा सकती है। दूसरा पिक मेरा डीएलएफ रहेगा। डीएलएफ में देखे तो कल 2008 के बाद पहली बार इसने 500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और अगर ग्राउंड डेटा भी देखे तो इन्होंने अपनी जो इनकी बैलेंस शीट है काफी स्ट्रांग है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स प्री सेल्स रिकॉर्ड इन्होंने लॉन्च की है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डीएलएफ में अच्छा मोमेंटम है, प्राइस और फंडामेंटल दोनों कंफर्म कर रहे कि अच्छा मोमेंटम इसमें देखा जा सकता है। तो 505 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह होगी। 530 के लेवल्स नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। तो डीएलएफ में ट्रेड लीजिए, और इसके अलावा टाटा मोटर्स में 620 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। संतोष, आपके भी ट्रेडिंग आइडियाज़ बताइए। मेरे दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही ऑटो स्पेस से, लेकिन एक बाई साइड है और एक सेल साइड है। बाइंग साइड है अमारा राजा बैटरी। इस स्टॉक की बात करें तो एक बहुत अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्लासिक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया था, और उस पुल बैक के दौरान इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया और अब फिर से मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहा है। इसको ऐसे ट्रेडिंग बेट भी ले सकते हैं, और मुझे लगता है कोई 6 महीने का नजरिया रखता है तो भी इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। ऐसे इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि इसमें 725 के टारगेट इमीडिएटली देखने को मिलेंगे, 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा शॉर्ट साइड है टीवीएस मोटर। हालांकि ऑटो सभी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है एक्सेप्ट आइसर मोटर, लेकिन टीवीएस मोटर को भी देखोगे तो इस मंथ में जहां ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा ऊपर है, टीवीएस मोटर 1% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। यहां पर लोअर हाईज लोअर लोज देखने को मिल रहा है, क्योंकि फंडामेंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है। स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑवरली चार्ट्स में एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है अगर मार्केट में कोई कमजोरी आती तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर 1290 का टारगेट रहेगा और 1330 का स्टॉप लॉस रहेगा। वोरा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ मॉर्निंग क्विकली आपकी रिकमेंडेशन आज की। जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन द इंडिसेस, यहाँ पे हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक पॉज आ सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने पॉज को बस एक यू नो फ्लैटेंड आउट इंडेक्स के रूप में ही देखा है, अब हो सकता है कि शायद थोड़ा सा डिप आए, बट देन अगेन नथिंग टू वरी। 19200 के जो जोन है यहाँ पे शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी ऑन द निफ्टी। सो दैट्स द व्यू। ओवरऑल यू नो सेटअप खराब नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा डिप आए तो एक अच्छी एंट्री पॉइंट बन जाएगी। निफ्टी पे 19300 का सपोर्ट जोन, 19700 का रेजिस्टेंस जोन, 44800 का सपोर्ट ऑन बैंक निफ्टी, 44600 का रेजिस्टेंस। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, अगेन आज भी मेरी हेज स्ट्रैटेजी है, दो कॉल्स हैं, एक बाय साइड एक सेल साइड पे। बाटा जो मुझे काफी समय से अच्छा लग रहा है, हमने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है, और 1670 का सेकंड टारगेट हिट करके ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, अब यहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। 1690-1710 के दो टारगेट्स के लिए आप बाई करें, 1650 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वेरी सिमिलरली SRF, इस स्टॉक को हमने लगातार यू नो शॉर्टिंग कैंडिडेट के तौर पे डिस्कस किया था 2250 के टारगेट्स के लिए, वो टारगेट्स भी हिट हुए हैं। कल हमने किसमें शॉर्ट कवरिंग का राउंड आते हुए देखा, बट अब मुझे लग रहा है कि ये जो बाउंस आया है कल 40-50 पॉइंट्स का, ये फिर से एक शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे आप फिर से शॉर्ट करके चलें, 20-50, 20-25 ये आपके टारगेट्स रहेंगे इन द नियर टर्म, और 3010 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा।